A very pleasant morning to all my dear students. I am Shalini, your English teacher, and today I'll explain you Chapter 9, The Madam Rides the Bus by Vallikanan. Firstly, I would like to summarize this chapter. In this story, the author is trying to present the world as seen from a child's perspective. बच्चे के नज़रिए से दुनिया हमें दिखाने की कोशिश की है यहाँ पर ऑथर ने. द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी इज़ एन 8 ईयर ओल्ड गर्ल वर्ली हु लिव्स नियर अ बस स्टॉप इन अ विलेज. मेन कैरेक्टर हमारी एक 8 ईयर ओल्ड गर्ल है जिसका नाम वर्ली है और जो गांव में बस स्टॉप के पास रहती है. Wally develops a desire to enjoy a ride on the bus. For this, she needs to reduce her expenses so that she can save enough money for the two-way fare. Wally रोज बस को देखती थी और एक उसके मन में इच्छा हुई कि मुझे भी बस में एक राइड लेनी है. इसके लिए उसको अपने कुछ खर्चे एक्सपेंसेस कम करने थे सो दैट कि वो आने और जाने का टू वे फेयर किराया इकट्ठा कर सके. वाइल ऑन हर जर्नी वली डज नॉट वॉन्ट एनीबडीज हेल्प एंड वॉन्ट्स टू फील इंडिपेंडेंट. शी एंजॉयज एवरी बिट ऑफ हर जर्नी टू द टाउन. फाइनली वली जब अपनी जर्नी पे गई तो वो अकेली गई and she doesn't want anybody's interference or help. ki koi usko help kare ya bataye ki as she was alone what to do and what not to do. wo independent feel karna chahti thi. she enjoys every bit of her journey to the town but she is careful enough not to get off the bus in the unknown localities. aur bahut careful bhi thi कि जो जगह टाउन उसका देखा हुआ नहीं था तो वो वहाँ पर बस से नीचे ना जाए. ऑन हर रिटर्न जर्नी अ सैड एक्सीडेंट स्पॉइल्स हर मूड दैट यू विल एक्सप्लोर ड्यूरिंग द चैप्टर. आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू हियर बट शी जस्ट कीप्स इट टू हर सेल्फ. जब वो वापस लौट रही थी बस से तो एक एक्सीडेंट उन्होंने देखा, कुछ ऐसी घटना थी जो जिससे वो उदास हो गई और उसने इसको किसी से शेयर नहीं किया. दस शी वॉन्ट्स टू एक्सप्लोर मोर एंड विशेस टू गो फॉर अनदर राइड इन द फ्यूचर. और इन चीज़ों को देखने के बाद, इनको एक्सपीरियंस करने के बाद उसने विश किया, उसकी एक इच्छा थी कि वो और ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर करे और दोबारा इन फ्यूचर शी वॉन्ट्स टू गो ऑन अ राइड. And now I'll start your chapter. There was a girl named Valli Amai who was called Valli for short. She was 8-year-old girl and very curious about things. Her favorite pastime was standing in front doorway of her house watching what was happening in the street outside. There was no playmates of her own age on her street and this was about all she had to do. एक लड़की थी जिसका नाम था वल्ली अमाई, जिसको वल्ली कहते थे. She was 8 years, 8 साल की थी और बहुत ज़्यादा curious थी चीज़ों को लेकर. हर चीज़ के बारे में उसको जानना होता था. उसका फेवरेट पास टाइम, जब वो फ्री होती थी तो उस वक्त उसको क्या करना सबसे ज़्यादा पसंद था. इट वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस. जो मेन गेट होता है हमारे घर का, फ्रंट डोरवे, वहाँ पर उसको खड़े होना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था. एंड वाई इट वॉज सो, जस्ट बिकॉज कि देर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज. उसके साथ, उसके एज के कोई बच्चे नहीं थे उसके साथ जिनके साथ वो खेल सके.
But for Wali, standing in front door was every bit as enjoyable as any of the elaborate games other children played. Watching the street gave her many new unusual experiences. Wali के लिए front door पर खड़े रहना बहुत ज़्यादा enjoyable चीज़ थी, उसको बहुत ज़्यादा enjoy करती थी वो. और कोई भी जो दूसरे बच्चे गेम खेलते थे उनको उस गेम में जितना मज़ा आता था, इसको यहाँ खड़े होकर के चीज़ों को देखते रहना, लोगों को आते जाते हुए देखते रहना, सड़क पे जो कुछ भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं वो सब कुछ देखना, इसको इतना ही इंजॉयमेंट देता था. कुछ अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस भी हो जाते थे इसको स्ट्रीट पर देखते हुए. The most fascinating thing of all was the bus that travelled between her village and the nearest town. सबसे ज़्यादा fascinating चीज़ जो थी, जिस जो इसको बहुत ज़्यादा एक प्रभावित कर देती थी, वो ये थी कि एक बस को देखती थी जो इसके विलेज और पास के टाउन के बीच में ट्रैवल किया करती थी. It passed through her street each hour, once going to the town and once coming back. हर एक घंटे में ये बस जाया करती थी, एक बार गांव से शहर टाउन की तरफ और एक बार टाउन से वापस विलेज की तरफ. The sight of the bus filled each time with a new set of passengers was a source of unending joy for Wali. जितनी भी बार बस आती थी और जाती थी, हर बार उसमें एक न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स होते थे, मींस हर बार उसके जो पैसेंजर्स थे वो चेंज हो जाते थे. और जब ये इस बस को देखा करती थी तो ये इसके लिए बहुत ज़्यादा जॉयफुल होता था. डे आफ्टर डे शी वॉच्ड द बस एंड ग्रेजुअली अ टाइनी विश क्रैप्ड इनटू हर हेड एंड ग्रू देयर. शी वांटेड टू राइड ऑन दैट बस इवन इफ जस्ट वंस. डे आफ्टर डे, रोज़ हर दिन वो उस बस को देखा करती थी. और ग्रेजुअली धीरे धीरे एक छोटी सी विश उसके दिमाग में आने लगी कि शी वांटेड टू राइड ऑन दैट बस, कि मुझे भी इस बस पे एक बार बैठना है, चाहे सिर्फ एक ही बार. This wish became stronger and stronger until it was an overwhelming desire. ये छोटी सी इच्छा जो एक पनपी थी उसके दिमाग में, वो stronger और stronger होती गई. और ये तब तक बनती गई जब तक कि वो एक overwhelming desire नहीं हो गई, means जिसको लेकर के वो बहुत ज़्यादा लालायित हो गई कि बस अब तो ये करना ही है. Wali would stare wistfully at the people who got on or off the bus when it stopped at the street corner. Wistfully, ललचाई हुई नजरों से, means उसके लिए वो बस राइड करके आ रहे थे. It means वो जो करना चाहती थी उन्होंने पहले ही उसको कर लिया, उन सारे पैसेंजर्स ने. तो she was just greedy about that. तो एक लॉन्गिंगली, एक अपनी इच्छा को लेकर ललचाई हुई नजरों से उसको देखती थी. Their faces would kindle in her longings, dreams and hopes. और उन पैसेंजर्स के चेहरे उसके मन में एक रुचि जगा देते थे, किंडल उसकी इच्छाओं में, उसके सपनों में, उसकी उम्मीदों में. Longings, dreams and hopes. If one of her friends happened to ride the bus and tried to describe the sights of the town to her, Wali would be too jealous to listen and would shout in English, "Proud, proud." अगर उसका कोई फ्रेंड जो बस में जा चुका है और वो बस से आ करके अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहे तो ये जीलस हो जाती थी, इसको प्रॉब्लम होने लगती थी. और ये इंग्लिश में प्राउड प्राउड कहकर उसको रोक देती थी.
Neither she nor her friends really understood the meaning of the word, but they used it often as a slang expression of disapproval. अब ना तो वल्ली को पता था प्राउड का क्या मीनिंग होता है हिंदी में या तमिल में, और ना ही उसके फ्रेंड्स को पता था, लेकिन ये लोग उसको अक्सर यूज करते थे एज अ स्लैंग एक्सप्रेशन, स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, मीन्स कुछ ऐसे इनफॉर्मल वर्ड्स जिनको हम अपने फ्रेंड्स में इनफॉर्मली हम यूज कर लेते हैं, और ये डिसअप्रूवल के लिए, जब हमें कोई बात अच्छी नहीं लगती उस वक्त हम इन वर्ड्स को यूज कर लेते हैं। ऐसे वर्ड्स इन्होंने अपने ही रखे हुए थे, मीनिंग एग्जैक्टली इनको पता नहीं था। ओवर मैनी डेज एंड मंथ्स वली लिसन केयरफुली टू कन्वर्सेशंस बिटवीन हर नेबर्स एंड पीपल हु रेगुलरली यूज द बस, एंड शी ऑल्सो आस्क्ड अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस हियर एंड देयर। दिन और महीने निकल गए, वली लिसन केयरफुली अपने नेबर्स के बीच में और जो लोग रेगुलरली बस पे जाते थे उनकी बातें सुनती रही, और कुछ सीक्रेटली डिस्क्रीट क्वेश्चंस उसने पूछे, चुपचाप पूछ लेती थी किसी को पता ना लगे, कोई इस बात को समझ ना पाए कि ये क्यों पूछ रही है, तो ऐसे लोगों से वो बार बार ऐसे सवाल पूछ लेती थी। This way she picked up various small details about the bus journey. The town was 6 miles from her village. The fare was 30 paise one way, which is almost nothing at all, she heard one well-dressed man say. अब informations क्या थी कि यहाँ से town जो है वो 6 miles है, 6 miles दूर है इसके village से, और जो फेयर है वो एक तरफ से वन वे जो है वो 30 पैसे है, और किसी वेल ड्रेस्ड मैन को इसने सुना भी था, वो ये कह रहे थे कि ये बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं, इट इज़ ऑलमोस्ट नथिंग, ज़्यादा पैसे नहीं है ये। बट टू वली हु स्कैर्सली सॉ दैट मच मनी फ्रॉम वन मंथ टू द नेक्स्ट इज सीम्ड अ फॉर्च्यून। अब उन्होंने तो कहा कि ये बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है, लेकिन वली के लिए जिसको स्कैर्सली मुश्किल से इतना पैसा देखने को मिलता था, उसके लिए ये एक बहुत बड़ी चीज थी। द ट्रिप टू द टाउन took 45 minutes। इसने ये भी इंफॉर्मेशन पता लगा ली थी कि जो एक बार का ट्रिप है वो 45 मिनट्स का है, मीन्स विलेज से जो बस है वो 45, इट took 45 मिनट्स टू रीच टाउन। On reaching town, if she stayed in her seat and paid another 30 paise, she could return home on the same bus. और अगर टाउन पहुँचने के बाद वो अपनी सीट पर बैठी रहे और दोबारा से 30 पैसे दे दे, तो वो उसी बस में घर वापस आ सकती है। This meant that she could take 1 o'clock afternoon bus, reach the town at 1:45, and be back home by about 2:45. This means she was a clever girl. उसने सब कुछ कैलकुलेट कर लिया था कि अगर वो 1 o'clock afternoon वाली बस लेती है तो वो 1:45 तक टाउन पहुंच जाएगी, फिर वो बस से नहीं उतरेगी, एंड अबाउट आफ्टर 15 minutes बस विल स्टार्ट ऑन रिटर्न जर्नी, तो वो 2:45 तक घर आ जाएगी। On and on went her thoughts as she calculated and recalculated, planned and replanned. अब उसकी जो सोच विचार था वो चलता रहा, उसने कैलकुलेट किया, फिर रिकैलकुलेट किया, प्लान किया, रीप्लान किया, एंड एवरीथिंग वॉज ऑल राइट अकॉर्डिंग टू हर। सेकेंड पार्ट, वेल वन फाइन स्प्रिंग डे द आफ्टरनून बस वॉज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ लीविंग द विलेज एंड टर्निंग इन टू द मेन हाईवे व्हेन अ स्मॉल वॉइस वॉज हर्ड शाउटिंग स्टॉप द बस, स्टॉप द बस, एंड अ टाइनी हैंड वॉज रेज्ड कमांडिंगली। स्प्रिंग डे था, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं थी, तो दोपहर में 1 बजे वाली बस जब गाँव के बाहर निकलने ही वाली थी, एंड शी वॉज सो स्मार्ट, बस स्टॉप से उसने बस को नहीं लिया, मेन हाईवे पर जैसे ही जाने वाली थी, एक छोटे बच्चे की वॉइस आती है
जोर से चिल्लाते हुए, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस। एंड एक छोटा सा हाथ ऊपर आता है कमांडिंगली। मैं सो डरी नहीं थी, नर्वस नहीं थी। द बस स्लोड डाउन टू अ क्रॉल एंड द कंडक्टर स्टिकिंग हिज हेड आउट ऑफ द डोर सेड, हरी देन टेल हू एवर इज इट इज टू कम क्विकली। बस जो है वो बिल्कुल क्रॉल, मैं स्क्रॉल होता है घुटनों से चलना, बहुत धीरे, उसकी स्पीड जो है वो बहुत धीरे कर दी गई। और कंडक्टर ने अपना सर बाहर निकाला एंड ही सेड कि जल्दी करिए, कौन आना चाहता है। इट्स मी, शाउटेड वली, आई एम द वन हु हैज़ टू गेट ऑन, ये मैं हूँ, वली ने जोर से चिल्ला कर कहा, बिकॉज शी वॉज सो कॉन्फिडेंट ना। और उसने कहा कि मैं हूँ जिसको बस में आना है, गेट ऑन मीन्स बस में चढ़ना है, गेट ऑन द बस मीन्स बस के अंदर आना है। By now the bus had come to a stop and then conductor said, "Oh really? You don't say so." "Yes, I simply have to go to town," said Wally, still standing outside the bus. "And here's my money," she showed him some coins. और अभी तक बस almost रुक गई थी, come to a stop, और conductor ने कहा कि अच्छा तुमने बताया नहीं, and she said कि हाँ मुझे जाना है और ये रहा मेरे पैसे, उसने कुछ कॉइन्स अपने शो किए कंडक्टर को। ओके ओके बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, सेड द कंडक्टर एंड ही स्ट्रेच आउट अ हैंड टू हेल्प हर। कंडक्टर ने उसको कहा कि ठीक है आपको अंदर तो आना पड़ेगा बस के, और उसने अपना हाथ स्ट्रेच किया, बढ़ाया उसकी तरफ हेल्प करने के लिए। नेवर माइंड शी सेड, आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ, यू डोंट हैव टू हेल्प मी। The conductor was a jolly sort, fond of joking, of, "Oh, please, don't be angry with me, my fine madam," he said. "Here's have a seat right up there in front. Everybody move aside, please, make way for madam." She said, जब conductor ने हाथ बढ़ाया कि आप आ जाइए, she said, "Never mind, मैं अपने आप आ सकती हूँ बस में, चढ़ सकती हूँ, और तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है मेरी हेल्प करने की, यू डोंट हैव टू हेल्प मी। कंडक्टर जो है वो हंसमुख था, मजाक करता था, तो शी ही सेड कि प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत होइए मेरी अच्छी मैम, एंड मैडम जो टर्म हम यूज़ करते हैं बेसिकली बड़ी लेडीज़ के लिए, तो बिकॉज एज शी वॉज अ चाइल्ड बट शी वॉज बिहेविंग लाइक अ ग्रोन अप, तो इसलिए वो उसको मैडम कह रहे हैं। और उन्होंने कहा कि भाई हैव अ सीट राइट अप देयर इन फ्रंट, और आप आगे वाली सीट ले लीजिए, वहाँ पर बैठिए, और सब लोग साइड हो जाइए, मूव असाइड प्लीज, साइड हो जाइए, मैम के लिए रास्ता दे दीजिए। मीन्स ही वॉज इन अ लाइट हार्टेड मूड, वो मजाक कर रहे थे कंडक्टर। इट वॉज अ स्लैक टाइम ऑफ द डे एंड देयर वर ओनली 6 or 7 पैसेंजर्स ऑन द बस। स्लैक टाइम मीन्स जब हमारे पास बहुत ज़्यादा काम नहीं होता, मीन्स मॉर्निंग और इवनिंग आवर्स जो होते हैं वो रश आवर्स होते हैं, और आफ्टरनून इट इज़ अ स्लैक टाइम, बहुत ज़्यादा लोग ट्रैवल नहीं कर रहे थे, तो हार्डली देवर 6 or 7 पैसेंजर्स। देवर ऑल लुकिंग एट वली एंड लाफिंग विद द कंडक्टर। वली वॉज ओवरकम विद शाइनेस, अवॉइडिंग एवरीवन्स आईज शी वॉक्ड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सिट डाउन। अब सिर्फ थोड़े से लोग थे तो सारे लोग वली को देख रहे थे और कंडक्टर के साथ वो लोग हंस रहे थे। वली को वहाँ पर शाइनेस आ गई, उसको शर्म आ गई वो, और सबकी आंखों से को अवॉइड किया उसने, उनकी तरफ नहीं देखा इट मींस, और जल्दी से क्विकली वो जा करके एक एम्प्टी सीट पर बैठ गई। "May we start now, madam?" the conductor asked, smiling. Then he blew his whistle twice and the bus moved forward with a roar. Conductor ne muskurate hue, kyunki as he was just making fun, to unhone kaha ki kya ab hum chale ma'am? Aur unhone apni whistle, jo ek seati hoti conductors ke paas, usko do baar blow kiya aur bus स्टार्ट कर दी गई, दोबारा से चल पड़ी। इट वॉज अ न्यू बस, इट्स आउटसाइड पेंटेड अ ग्लीमिंग वाइट
with some green strips along the sides. Inside the overhead bars shone like silver. अब यहाँ पर बस का डिस्क्रिप्शन है. नई बस थी जो बाहर के साइड उसके पेंट था वो एक ग्लीमिंग वाइट, चमकदार सा वाइट कलर था. उसके ऊपर कुछ ग्रीन स्ट्रिप्स थी वाइट के साथ. दैट वॉज अ गुड कॉम्बिनेशन. आई थिंक वो अच्छी लग रही होगी. और जो अंदर इनसाइड द बस जो ओवरहेड बार्स थी, जो हाथ में हम पकड़ के खड़े हो जाते हैं जब ज़्यादा भीड़ होती है, तो वो बिल्कुल नई थी और वो चमक रही थी जस्ट लाइक सिल्वर बार्स. डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वली अबव द विंडशील्ड देयर वॉज अ ब्यूटिफुल क्लॉक. और वली के सामने विंडशील्ड, जो बस के बड़े बड़े शीशे होते हैं, उनके ठीक ऊपर देयर वॉज अ ब्यूटिफुल क्लॉक. द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जूरियस. जो बस की सीट्स थी वो बहुत सॉफ्ट और आरामदायक थी. वली डिवोड एवरीथिंग विद हर आइज. डिवोड, डिवोड हो जाता है किसी चीज़ को स्वेलिन कर जाना, निगल जाना. तो वली हर चीज़ को अपनी आँखों से स्वेलिन कर रही थी. मीन्स शी वॉज वॉचिंग एवरीथिंग वेरी केयरफुली. बट वेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाई अ कैनवस ब्लाइंड दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो. अब बस के अंदर का तो उसने व्यू ले लिया, जब उसने बाहर देखना चाहा तो उसको पता लगा कि उसका जो विंडो ग्लास है वो आधा, जो लोअर पार्ट है उसका, वो एक कैनवस से कहें या एक पर्दा लगा हुआ है वहाँ पर, और उसकी विंडो से वो बाहर नहीं देख पा रही. सो शी स्टूड अप ऑन द सीट एंड पीयर्ड ओवर द ब्लाइंड. इसलिए वो सीट के ऊपर खड़ी हो गई और उसके ऊपर से उसने झांकना शुरू कर दिया. द बस वॉज नाउ गोइंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ अ कैनल. द रोड वॉज वेरी नैरो. ऑन वन साइड देर वॉज द कैनल एंड बियॉन्ड इट पाम ट्रीज, ग्रास लैंड, डिस्टेंट माउंटेन्स एंड द ब्लू 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 स्काई. अब ऊपर से जब उसने देखना शुरू किया सीट के ऊपर खड़े होकर, तो उसने देखा कि बस जो वो एक कैनल के पास से जा रही थी, एक नहर थी, और रोड जो थी वो बहुत ज़्यादा नैरो थी, चौड़ी नहीं थी, और एक साइड कैनल थी और बियॉन्ड इट उसके पीछे कैनल के आगे पाम ट्रीज थे, ग्रासलैंड थी, दूर कहीं माउंटेन्स दिखाई दे रहे थे और ब्लू ब्लू स्काई था. ऑन द अदर साइड देर वॉज अ डीप डिच, एक गहरी सी खाई कह सकते हैं, और उसके आगे फिर एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड, हरे हरे खेत थे, जो बिल्कुल जहाँ तक उसकी नज़र जा रही थी ग्रीन 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 एज फार एज द आई कुड सी. और इट वॉज सो ऑल्सो वंडरफुल. सडनली शी वॉज स्टार्टल्ड बाई अ वॉइस. लिसन चाइल्ड, सेड द वॉइस, यू शुड नॉट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन. उसको ये सब बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन अचानक शी वॉज स्टार्टल्ड बाई अ वॉइस. कुछ डिस्टर्ब हो गई वो, और आवाज़ क्या कह रही थी, सुनो बच्चे तुम ऐसे खड़े नहीं होना चाहिए, बैठ जाओ. एंड व्हाट वाज द रिएक्शन. सिटिंग डाउन शी लुक्ड टू सी हु हैड स्पोकन. इट वाज एन एल्डरली मैन हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न्ड फॉर हर, बट शी वाज अनॉयड बाय हिज अटेंशन. नीचे बैठते हुए उसने कोशिश की, देखा कि कौन बोल रहा था, हु हैड स्पोकन. देखा तो वो एक एल्डरली मैन थे, बुजुर्ग इंसान थे, जो वाकई में इसके लिए कंसर्न थे, चिंतित थे, लेकिन इसको अटेंशन से, जो वो एल्डरली मैन ने इसको अटेंशन दी थी उससे इसको अनॉयंस हुई. मीन्स चिढ़ गई. देयर इज नोबडी हियर हु इज अ चाइल्ड, शी सेड हॉटिंगली. आई हैव पेड माई 30 पैसे लाइक एवरी वन एल्स. उस एल्डरली मैन ने कहा कि यहाँ पर कोई है जिसका ये बच्चा है, तो इसने बहुत ही प्राउडली कहा कि मैंने अपने 30 पैसे दे दिए हैं जैसे सबने दिए हैं. द कंडक्टर चाइम्ड इन, ओ सर बट दिस इज अ वेरी ग्रोन अप मैडम. Do you think a mere girl could pay her own fare and travel to the city all alone? अब बीच में
कंडक्टर बोल पड़े कि सर, ये तो बहुत बड़ी मैडम है, आपको लगता है कि एक छोटी सी लड़की अपने खुद का किराया दे सकती है और अकेले सिटी के लिए ट्रैवल कर सकती है? वली शॉट एन एंग्री ग्लैंस एट द कंडक्टर एंड सेड, आई एम नॉट अ मैडम, प्लीज रिमेंबर दैट, एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट. नाराजगी से उनकी तरफ देखा कंडक्टर की तरफ वली ने और कहा कि मैं मैडम नहीं हूँ, ये याद रखना, और तुमने अभी तक मुझे मेरा टिकट नहीं दिया है. आई विल रिमेंबर, द कंडक्टर सेड, मिमिकिंग हर टोन. एवरीवन लाफ्ड एंड ग्रेजुअली वली टू जॉइंट इन द लाफ्टर. कंडक्टर ने वली जैसी आवाज़ निकालते हुए, उसकी जैसी टोन में बोलते हुए उसने कहा, हाँ ठीक है, मैं याद रखूँगा. सब हंस पड़े और धीरे धीरे वली भी उनके साथ हंसने लगी. द कंडक्टर पंच्ड अ टिकट एंड हैंडेड इट टू हर, जस्ट सिट बैक एंड मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, वाई शुड यू स्टैंड व्हेन यू हैव पेड फॉर अ सीट. कंडक्टर ने एक टिकट पंच किया और उसको वली को दे दिया और कहा कि बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, और जब तुमने अपनी सीट के लिए पैसे दिए हैं तो फिर तुम खड़ी क्यों हो रही हो? बिकॉज आई वॉन्ट टू, शी आंसर्ड स्टैंडिंग अप अगेन, क्योंकि मैं चाहती हूँ खड़ा होना, इसलिए. और वो दोबारा से खड़ी हो गई. बट इफ़ यू स्टैंड ऑन द सीट यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ वेन द बस मेक्स अ शार्प टर्न और हिट्स अ बम्प, दैट्स वाई वी वॉन्ट यू टू सिट डाउन चाइल्ड. लेकिन अगर तुम सीट पर खड़ी होगी तो तुम गिर सकती हो और तुम्हें चोट लग सकती है जब बस अचानक तेजी से मुड़ेगी या किसी ऊंची चीज पर, वो जैसे स्पीड ब्रेकर्स होते हैं तो उनके ऊपर आएगी तो झटका लगेगा, इसलिए तुम बैठ जाओ बच्चे. आई एम नॉट अ चाइल्ड, आई टेल यू, शी सेड इरिटेबली. आई एम 8 years ओल्ड. ऑफ कोर्स, हाउ स्टूपिड ऑफ मी, 8 years, माय, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैंने बताया था तुमको. वो थोड़ी चिढ़ के बोली कि मैं 8 साल की हूँ. ऑफ कोर्स, मैं ही बेवकूफ़ हूँ, 8 साल की हो तुम डेफिनेटली. द बस स्टॉप्ड, सम न्यू पैसेंजर्स गॉट ऑन एंड द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर अ टाइम. एफ्रेड ऑफ लूजिंग हर सीट, वली फाइनली सिट डाउन. बस स्टॉप आता है, बस रुकती है और कुछ नए पैसेंजर्स बस में आते हैं. कंडक्टर उनके साथ बिजी हो गया थोड़े टाइम के लिए, सो दैट कि उनको टिकट्स देना है. तो वली को डर लगा कि शायद मेरी जो सीट है उस पर कोई आके बैठ जाएगा, तो वो बैठ गई फाइनली. एन एल्डरली वुमन केम एंड सेट बिसाइड हर. आर यू ऑल अलोन डियर, शी आस्क्ड वली एज द बस स्टार्टेड अगेन. एक बुजुर्ग महिला उनके पास आकर बैठ गई वली के पास. तो उसने कहा कि क्या तुम अकेली हो बेटे? डियर, तो जैसे बस चली उन्होंने पूछा वली से. वली फाउंड द वुमन एब्सोल्युटली रिपल्सिव, सच बिग होल्स एंड शी हैड इन हर ईयर लोब्स एंड सच अगली इयर रिंग्स इन दैम एंड शी कुड स्मेल द बीटल नट द वुमन वॉज चीइंग एंड सी द बीटल जूस दैट वॉज थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर हर लिप्स एट एनी मोमेंट. तो यहाँ पर वली ने जब उसको देखा, उस लेडी को जो कि ऑलमोस्ट उसके ग्रैंड मदर की एज की होंगी, तो उसने पाया कि ये बिल्कुल रिपल्सिव हैं. रिपल्सिव मीन्स कि जिनको कि कोई भी पसंद ना करे इजीली, रिपल्सिव, ना पसंद. और क्यों? उसके लिए उसने रीज़न भी दिए कि उनके कानों में बड़े से छेद हैं जहाँ पर हम इयर रिंग्स पहनते हैं लेडीज़, तो वहाँ पर बड़े से बिग होल्स हैं. और अगली इयर रिंग्स, जो इयर रिंग्स उन्होंने पहने वो भी बिल्कुल अच्छे नहीं हैं. और वली को पान की, सुपारी की कुछ स्मेल आ रही थी जो वो लेडी चबा रही थी, जो खा रही थी. और उनको, वली को ये भी दिख रहा था कि जो बीटल जूस यानी कि पान का जो पान खाने के बाद मुंह में जो एक जूस इकट्ठा हो जाता है वो इकट्ठा था. और इट वाज जस्ट थ्रेटनिंग
कि बस ये किसी भी टाइम उनके मुंह से बाहर गिर सकता था। ओ हु कुड बी सोशेबल विद सच अ पर्सन। वली ने अपने मन में सोचा, ओह ऐसे इंसान के साथ कौन बात कर सकता है। यस आई एम ट्रैवलिंग अलोन, शी आंसर्ड कर्टली, एंड आई हैव गॉट अ टिकट टू। बहुत ही कर्टली, हार्शली उसने आंसर किया कि हाँ मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ और मैंने अपना टिकट भी लिया है। यस शी इज़ ऑन हर वे टू टाउन, सेड द कंडक्टर विद अ 30 पैसे टिकट। कंडक्टर ने फिर कहा कि हाँ ये टाउन जा रही हैं और इन्होंने एक टिकट भी ले लिया 30 पैसे का। ओ वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस, सेड वली, बट शी लव्ड ऑल द सेम एंड द कंडक्टर लव्ड टू। तुम अपना काम क्यों नहीं करते, वली ने उसको कहा, लेकिन वो हंस पड़ी और कंडक्टर भी हंसने लगा। बट द ओल्ड वुमन वेंट ऑन विद हर ड्राइव, इज इट प्रॉपर, सॉरी विद हर ड्राइवल, ड्राइवल इज सम नॉनसेंस टॉक कि कुछ भी हम बोल रहे हैं। मीन्स अकॉर्डिंग टू वली इट वॉज अ ड्राइवल। Is it proper for such a young person to travel alone? Do you know exactly where you are going in town? What's the street? What's the house number? अब as she was concerned, तो उन्होंने बोला कि क्या ये सही है कि एक छोटा सा छोटा इंसान, छोटा बच्चा अकेला ट्रैवल करे। Do you know कि तुम्हें कहाँ जाना है टाउन में, क्या तुम्हें वो एड्रेस मालूम है, क्या तुम्हें वो सड़क मालूम है जहाँ तुम जाना चाहती हो, क्या तुम्हें वो हाउस नंबर मालूम है जहाँ पे तुम्हें जाना है। You need not bother about me, I can take care of myself, Vali said, turning her face towards the window and staring out. आपको मेरे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ, वली ने कहा और अपना फेस विंडो की तरफ टर्न किया एंड शी स्टार्टेड स्टेयरिंग आउट, बाहर देखना शुरू कर दिया। सो दिस इज ऑल इन टुडेज क्लास, आई विल एक्सप्लेन रेस्ट ऑफ द पार्ट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।